भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, सच्चा वैराग जो होता है वह घर में रह कर के लोग वैराग ले लेते हैं, और जिसको वैराग हो जाए उसी से भजन हो। अर्जुन ने कहा, घर में रह करके वैराग कैसे हो जाएगा केशव? कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, नैहर में बेटी कैसे रहती है? बेटी नैहर में कैसे रहती है? अच्छा, बेटी को नैहर में क्या नहीं है? जमीन है, मकान है, गाड़ी है, बैंक में रुपया है, पिताजी को नौकरी है, सर्विस है, आम का बगीचा है। बेटी को किसी चीज का भी नैहर में कमी नहीं है, फिर भी बेटी नैहर के संपत्ति से वैराग ले लिया है। और जब से बेटी को होश हुआ है तभी से वैराग ले लिया है। जमीन मकान जत्ते छे सब भैया को होते, हमरो नहीं होते। बता बेटी को कितना वैराग है। आज बेटा जमीन बांटने के लिए मार किया है, लड़ाई झगड़ा किया है, लेकिन बेटी जमीन बांटने के लिए कभी नैहर में मार किया है? जबकि बेटा बेटी पिता के संपत्ति पर दोनों का हक होना चाहिए, दोनों का हक। जब से बेटी को होश हुआ है तभी से जमीन मकान गाड़ी बगीचा से बेटी ने संतोष बांध लिया है, वैराग ले लिया है कि सब चीज भैया को होते, हमरो की होते, हमरा बापा क्या बिघा लिखी देते। चार बजे भोर में बेटी की शादी होती है, सुबह 6 बजे में सारे नैहर के संपत्ति को छोड़कर गाड़ी में बैठ करके बेटी रोती हुई ससुराल चली जाती है। ससुराल से बेटी कभी लौट करके नहीं आई जमीन बांटने के लिए, मकान बांटने के लिए। हे पार्थ, बताओ बेटी को कितना वैराग है। सिर्फ बेटी को नैहर में माँ और पिताजी से प्रेम है। जिस बेटी को नैहर में माँ नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, बेटी नैहर आना बंद कर देती है। नहरो ककरा पर जेबे, जब माँ बाप हमारा नहीं रह लेता वह ककरा पर जेबे। माँ बाप नहीं रहने पर बेटी नैहर आना भी बंद कर देती है। सजनों, जिस बेटी को नैहर में माँ बाप नहीं है तो समझ जाइए नैहर का रास्ता बंद हो गया। इस कलयुग में सिर्फ बेटी को माँ बाप से प्रेम है। भाई भौजाई आजकल किसको मानते हैं?